वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 5 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सुशील चंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में टाटा कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अमूर यश लक्ष्मी नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किसने संयुक्त रूप से मॉरिशस में 2 लैंडमार्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है अनिल गायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में ग्रीस में भारत के अंग्रेज राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमृत लुगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली मंत्री आर के सिंह और कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने संयुक्त रूप से कहाँ अर्पित सद्भाव पोर्टल के माध्यम से प्रकाश पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी पोर्टल शुरू किया है? तो ये पोर्टल शुरू किया गया है नई दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2019 में देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन किसको तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो ये हरी झंडी दिखाई है लखनऊ से दिल्ली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हर्षवर्धन और हरसिमरत कौर बादल ने अक्टूबर 2019 में कहाँ पर सरबत दा वाला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये हरी झंडी दिखाई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन अवार्ड 2019 में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द अवार्ड ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है बेन स्टोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने इम्फाल मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 2019 संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी प्रतिष्ठित नान सेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अजीब बेग आशुरोग को, यानी इसका करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित फीडबैक एकत्र करके शासन में सुधार के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है मो सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियान ऊर्जा गिरी चलाया जिसका उद्देश्य बिजली चोरी रोकना और बचत करना है? तो ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ 1925 करोड़ रुपए के संयुक्त उद्यम JV बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं फोर्ड मोटर कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक विस्परर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जसप्रीत बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो मंगोलियाई संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 14वां संस्करण अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 14 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा बकलोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में इंडोनेशिया के बाटम में आयोजित 53वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो सिल्वर मेडल जीता है मेजर अब्दुल कादिर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका यूरोप और रूस में भारतीय नौसेना की प्रवासी तैनाती के हिस्से के रूप में INS किस को 3 दिन की यात्रा के लिए 3 अक्टूबर 2019 को फ्रांस के सेंट डेनिस रियूनियन द्वीप पर पहुँचा है? तो ये पहुँचा है तर्कस, INS तर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रवीण ग्रेवाल और पैराट्रूपर गणपत सिंह ने किस नदी पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे तेज राफ्टिंग के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है जांस्कर नदी पर, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड।